अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल, यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसके लिए सिंबल प्लस प्लस का यूज़ होता है और ये एक यूनरी ऑपरेटर है। अब इसको यूनरी ऑपरेटर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल वेरिएबल के साथ यूज़ हो सकता है, लाइक ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस या प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी। लाइक इसको हम दो वेरिएबल्स अगर हम यूज़ करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जो कि टू ऑपरेंड्स के साथ काम करता है, जैसे ए प्लस बी हो गया। अब इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ये बाइनरी है, तो बाइनरी में हम कभी भी ए प्लस प्लस बी नहीं लिख सकते। लेकिन यूनरी ऑपरेटर में हम डबल जो प्लस का सिंबल या डबल जो माइनस का सिंबल होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये यूज़ क्यों होता है, ये इंक्रीज़ कर देता है जो वैल्यू होती है वेरिएबल की उसको वन से। अब इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, जैसे है ए प्लस प्लस, दैट इज़ इक्वलेंट टू ए इक्वल टू ए प्लस वन। लाइक मेरे पास अगर ए की जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज़ टू, तो जब ए प्लस प्लस होगा तो टू प्लस वन होगी उसकी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी, इंक्रीमेंटेड वैल्यू उसकी हो जाएगी थ्री। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कांट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, उन पर अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों, अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, यहाँ पे यूज़ हो रहा है 10 प्लस प्लस। अब 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 10 प्लस प्लस हम अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे है ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखते हैं और बाहर हम लगा देते हैं प्लस प्लस, तो इससे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। या हम लिख देते हैं प्लस प्लस ए प्लस बी, तो ये जो हैं जितनी भी एग्जांपल्स हैं एक्सप्रेशन की या फिर कांस्टेंट की, ये हैं इनवैलिड। अब जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो बेसिकली टू टाइप के जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, फर्स्ट वन इज़ प्रीफिक्स एंड सेकंड वन इज़ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नो डिफरेंस इफ अलोन इन स्टेटमेंट ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए आइडेंटिकल रिजल्ट्स। यानी अगर हम एक स्मॉलर जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो ये सेम रिजल्ट जनरेट करेंगे। हाँ, लार्जर एक्सप्रेशन में जब हम इनको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फिर जो है वो प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, या उनके जो रिजल्ट्स होंगे उस केस में डिफरेंट हो सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दैट यूजेज द प्लस प्लस ऑपरेटर डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ ऑपरेटर। पोजीशन इसकी कैसे मैटर करती है, कि हम प्लस प्लस का सिंबल वेरिएबल से पहले लगाते हैं या फिर हम प्लस प्लस का सिंबल वेरिएबल के बाद लगाते हैं। पहले या बाद, उससे रिजल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है जब हम इनको लार्जर एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स एक्स इक्वल टू ए प्लस प्लस एंड एक्स इक्वल टू प्लस प्लस ए आर डिफरेंट। ये रिज़ल्ट कैसे डिफरेंट होंगे, हम इनको आगे इस चैप्टर में हम फर्दर जो एग्जांपल्स होंगी उनके थ्रू भी इसको देख लेंगे। प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं, ये एक्सप्रेशन में कैसे काम करते हैं, इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट फिक्स को पहले, यूजेस आर असाइन करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन इंक्रीमेंट बाय वन। पोस्ट का मतलब है के आफ्टर, बाद में, यानी पहले वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दो, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा। और प्री का मतलब क्या होता है, कि पहले इंक्रीमेंट करो और बाद में असाइन करो वैल्यू। इफ़ प्लस प्लस इज आफ्टर द वेरिएबल एज इन द ए प्लस प्लस, द इंक्रीमेंट टेक प्लेस आफ्टर द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। यानी अगर जो सिंबल है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दो इसके प्लस प्लस के सिंबल्स होते हैं, अगर वो वेरिएबल के बाद लगाए जाते हैं तो फिर पहले वो वेरिएबल की वैल्यूज़ को असाइन होगी, देन उसमें प्लस का इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल गिवन है, एक्स इक्वल टू ए, हमारे पास एक वेरिएबल ए है जो कि असाइन हो रहा है किसको, एक्स को, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ए, देन एक्स इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब यहाँ पे ए प्लस प्लस में प्लस का जो सिंबल है वो वेरिएबल के बाद लग रहा है, यानी ए प्लस प्लस, प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ इंक्रीमेंटेड बाय वन। प्री हो पोस्ट हो, वैल्यू ने वन के थ्रू ही इंक्रीमेंट होना है, लेकिन जो रिज़ल्ट है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज़ इक्वल्स टू ए माइनस
वन, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, सॉरी a इक्वल टू a प्लस वन, उसमें वन का इंक्रीमेंट होगा। अगर आप इसको एग्जांपल के थ्रू देखो तो यहाँ से आप इसको बेसिकली डिफरेंस इनका समझ सकते हैं। int n इक्वल टू टू, यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल n है जिसको वैल्यू असाइन हुई है टू। तो बेसिकली इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, जिसमें डेटा टाइप, नेम ऑफ वेरिएबल एंड उसको वैल्यू भी असाइन करते हो, दैट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे आ गया int result। अब यहाँ पे हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं की, सो दैट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन। थर्ड इसमें स्टेटमेंट क्या है, result equal to टू स्टेरिक n प्लस प्लस, यानी हमने टू को मल्टीप्लाई कर देना है जो n की वैल्यू है उसके साथ, और n यहाँ पे अब पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स का मतलब ये होता है कि पहले उसकी वैल्यू असाइन कर दो, बाद में उसमें वन का इंक्रीमेंट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, n में क्या पड़ा हुआ है, टू, तो रिजल्ट इक्वल टू टू स्टेरिक n, यानी टू मल्टीप्लाई टू यहाँ पे हो जाएगा फोर, और प्रिंट एफ के थ्रू हम परसेंट डी यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू है स्लैश n नेक्स्ट लाइन रिजल्ट, हम रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देंगे जो कि हो गया टू मल्टीप्लाई टू फोर। उसके बाद प्रिंट एफ हमने n को डिस्प्ले करवाना है, n भी परसेंट डी स्लैश n के थ्रू डिस्प्ले होगा। परसेंट डी यहाँ पे इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, स्लैश n यहाँ पे न्यू लाइन के लिए यूज़ हुआ है। तो n को जब यहाँ पे डिस्प्ले करवाया जाएगा तो n प्लस प्लस, पहले n को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ, वो रिजल्ट को वैल्यू चली गई 4, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा और n की वैल्यू नेक्स्ट इंक्रीमेंटेड वैल्यू उसकी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे रिजल्ट में देखा जा सकता है n की वैल्यू है 3 एंड रिजल्ट की वैल्यू है 4। इफ प्लस प्लस इज आफ्टर द वेरिएबल एज इन द n प्लस प्लस, द इंक्रीमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर द एक्सप्रेशन इज एवेलुएटेड। एक्सप्रेशन पहले हमारे पास एवेलुएट हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 रिजल्ट में चला गया 4, उसके बाद n की वैल्यू 2 से हो गई 3, 2 प्लस 1 3। सो हमारे पास जो फर्स्ट जो प्रिंट एफ की लाइन थी उसने क्या किया, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, और सेकंड जो हमारे पास प्रिंट एफ की लाइन है, न्यू लाइन कैरेक्टर्स मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, इसमें ये बताया जा रहा है कि स्लैश n जो न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश n है या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है हमारे पास, ये जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसको नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ब्लिंक करवा देगा, सिंस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर वॉज यूज्ड। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब यूज़ हुआ तो हमारे पास रिजल्ट की वैल्यू अवेलुएट हुई इंक्रीमेंट से पहले, पहले एक्सप्रेशन अवेलुएट हो गया, देन n की वैल्यू इंक्रीमेंटेड बाय 1 हुई। अभी अगली जब एग्जांपल हम इसकी करेंगे प्रीफिक्स के साथ तो इसका डिफरेंस क्लियरली आपको समझ आ जाना है। देन हम करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इन एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट्स वेरिएबल फर्स्ट देन यूजेज न्यू वैल्यू, यानी पहले ही इंक्रीमेंट कर दें कि हम वेरिएबल को, अगर हमारे पास प्लस प्लस ए लिखा हुआ है तो हम पहले उसमें वन ऐड करेंगे, देन उसकी वैल्यू जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको असाइन कर देंगे। इफ़ प्लस प्लस इज बिफोर द वेरिएबल एज इन प्लस प्लस ए, द इंक्रीमेंट टेक प्लेस बिफोर द एक्सप्रेशन इज एवेलुएटेड, यानी एक्सप्रेशन बाद में एवेलुएट होगा, जो भी हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो हम बाद में करेंगे, पहले उसमें प्लस वन ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें a इक्वल टू ए प्लस वन, हमने पहले a इक्वल टू ए प्लस वन किया है, वैल्यू ऑफ a इज़ इंक्रीमेंटेड बाय वन, देन वो वैल्यू हमने असाइन की है x इक्वल टू प्लस प्लस ए, और फिर x इक्वल टू a हो गया। पहले a इक्वल टू ए प्लस वन हमने किया, हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, x इक्वल टू प्लस प्लस ए, इसको अब हमने दो स्टेप्स में किया है। पहले हमने क्या कर दिया, a इक्वल टू ए प्लस वन, ए की वैल्यू में प्लस वन करके लाइक उसको टू कर दिया, और फिर x इक्वल टू ए, और लास्ट में जाके a की वैल्यू जो टू हो चुकी है वो हम असाइन कर देंगे x को, तो x भी इसमें टू हो जाएगा और a भी इसमें टू हो जाएगा। अगर हम इसकी प्रीवियस एग्जाम्पल को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, x इक्वल टू a प्लस प्लस, तो यहाँ पे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, पहले वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देनी है, उसके बाद हमने उसमें इंक्रीमेंट a इक्वल टू a प्लस वन करना है। सो ये इनका डिफरेंस था। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो यहाँ पे हमारे पास है int n इक्वल टू टू, int result, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन में वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हुई है, सेकंड लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, थर्ड लाइन में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट इक्वल टू टू स्टेरिक प्लस प्लस एन। अब यहाँ पे ये जो प्लस प्लस एन है यहाँ पे मेन डिफरेंस है इस स्टेटमेंट का,
कैसे कि n की वैल्यू है 2, तो प्लस प्लस n क्या करेगा, वो पहले n की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करके इसको 3 बना देगा, उसके बाद ये जो 3 वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ और रिज़ल्ट को बाद में असाइन हो जाएगी। सो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6, रिज़ल्ट का यहाँ पे जो आएगा आंसर दैट इज़ 6। यानी ये जो प्रिंट एफ की लाइन है परसेंट डी स्लैश एन रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, ये क्या डिस्प्ले करवा देगी, 6। और प्रीवियस एग्जांपल में इसका रिज़ल्ट आया था 4। देन प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन, अब एन वाली वैल्यू को डिस्प्ले जब करवाएंगे तो उसमें इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो होगी वो होगी 3, सिंस प्री इंक्रीमेंट वॉज यूज। तो इस तरह प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो काम करते हैं। अगर हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज एज इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं और इस वाली एग्जाम्पल में हम इनको लार्जर एक्सप्रेशन के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, हेडर फाइल्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, मेन का फंक्शन है, स्टार्टिंग डेलिमीटर है, देन यहाँ से प्रोग्राम की लॉजिक या प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है, इंट ए कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा वाई, 4 हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई की गई है, जिसमें क्या हुआ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। यानी इन जो 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, इन सब को जो वैल्यू दी जाएगी वो है 0, इनिशियल वैल्यू 0। ए प्लस प्लस बी इक्वल टू ए में क्या पड़ा हुआ है, 0। ए प्लस प्लस एज इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन जब उसको ट्रीट करेंगे तो ए प्लस प्लस होके हो जाएगा 1। अब ए में क्या जा चुका है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू ए, ए की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट होके हुई है 1, तो बी को भी क्या असाइन हो जाएगा, 1। सो ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1। उसके बाद आप देखो प्लस प्लस एक्स, तो एक्स में इनिशियली पड़ा हुआ है 0, एक्स में जब इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। वाई इक्वल टू एक्स, एक्स में पड़ा हुआ है 1 और एक्स की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल होता है, तो वाई को क्या असाइन हो जाएगा, 1। सो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंट डी, तो ए को क्या असाइन हो गया, 1 स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट जाएगा और वहाँ पे हो जाएगा बी इक्वल टू परसेंट डी, बी को भी असाइन हो गया 1, एंड देन प्रिंट एफ एक्स इक्वल टू परसेंट डी, एक्स को असाइन हो जाएगा 1 स्लैश एन, y इक्वल टू परसेंट डी, वाई को भी असाइन हो जाएगा 1। तो इस तरह हमारे पास जो 4 वेरिएबल्स हैं सबको जो है वो सेम वैल्यू असाइन हो चुकी है। और ये कब हुआ है, रिजल्ट सब सेम किस केस में आने हैं, जब हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। अब इसी को हम प्रोग्राम को सेम वैल्यूज़ के साथ लार्जर एक्सप्रेशन के साथ देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ लार्जर एक्सप्रेशन। अगेन हम हेडर फाइल्स, मेन का फंक्शन, डेलिमीटर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इंट ए बी एक्स वाई 4 वेरिएबल्स लेंगे, इनको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू इनिशियल वैल्यू असाइन कर देंगे दैट इज 0। ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे था हमारे पास 2 लाइंस में ये काम हो रहा था, ए प्लस प्लस और उसके बाद बी इज इक्वल टू, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ हुई है, ए इज इक्वल्स टू बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे अब यूज़ हो रहा है बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमने यूज़ किया था ए प्लस प्लस एंड बी इक्वल टू ए, यानी 2 लाइंस में हमने इस पे काम किया, इसको इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पर ट्रीट किया, यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको एज लार्जर एक्सप्रेशन, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो ए की वैल्यू जो है वो पहले b को असाइन होगी, b इक्वल टू a पहले असाइन हो जाएगा और a में पड़ा हुआ है 0, तो a इक्वल टू 1 हमारे पास बाद में होगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, और उसके बाद a प्लस प्लस होके हो जाएगा 1। तो इसका रिजल्ट अगर यहाँ पे देखें तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। उसके बाद है y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो y में तो प्लस प्लस एक्स यानी प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली इसको पहले ही 1 ऐड कर देगा इसमें। सो हमारे पास x की वैल्यू भी यहाँ पे 1 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और फिर प्रिंट एफ के थ्रू इन दोनों स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करवा देंगे। सो इस तरह लार्जर एक्सप्रेशन में एंड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स काम करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड सी एस डिपार्टमेंट।